मैं हूं आपके साथ जहारा और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। आजमगढ़ 28 सितंबर अनजान अपरिचित लावारिश मृतकों की आत्मा की शांति हेतु आज भारत रक्षा दल द्वारा स्थानीय राजघाट पर श्रद्धा पिंड दान क्रम करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर शांति भोज करवाया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले भारत रक्षा दल की जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने किया बताया कि संगठन द्वारा वर्ष 2013 से लगातार लावारिश मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। धार्मिक परंपराओं कर्मकांड को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में हम लोग उन अनजान अपरिचित लोगों की आत्मा की शांति हेतु धार्मिक अनुष्ठान के साथ पिंडदान श्राद्ध तर्पण करके ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। आज भी हम लोगों ने ब्राह्मणों को लोटा गमछा वस्त्र के साथ कुछ रुपयों का दान करके उनको खाना खिलाकर और कुछ लोगों को भोजन करवाकर वही विगत क्रम आज भी दोहराया गया है। अभी तक संगठन द्वारा 463 लावारिस मृतकों का दाह संस्कार किया जा चुका है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। यजमान के रूप में लावारिशों का वारिस बनकर पिंडदान तर्पण का कार्य प्रदीप चौहान, शक्ति शरण, रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, उमेश सिंह गुड्डू ने किया। आज के आयोजन में प्रमुख रूप से धन संजय अस्थाना, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, ब्रजेश मिश्र, राजीव पांडे, द्वारकाधीश पांडे, राजू महेश्वरी कांत, आरपी श्रीवास्तव, मोहम्मद अफजल, अमित गुप्ता, हरिकेश विक्रम, छाया अग्रवाल, पुष्पांजलि गुप्ता, सरिता श्रीवास्तव व अन्य महिला व पुरुष कार्यकर्ता में उपस्थित रहे। मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष ज्ञात है कि विगत 2013 के अनुसार करता है, मुखाग्नि देते हैं हमारे कार्यकर्ता और हिंदू परंपरा और हिंदू धर्म की कर्मकांड के अनुसार भारत रक्षा दल हर साल जितने भी ज्ञात अज्ञात मृतक आत्माएं परिचित अनजान उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम पिंडदान का कार्यक्रम, ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम करवाते हैं, भारत रक्षा दल करता है। उन्हीं उसी क्रम में आज फिर ये तमसा तट पे राजघाट पे यहीं पे हमारे लाशों का दाह संस्कार होता है। यहीं बगल में स्नान वाले घाट पे ये पिंडदान सामूहिक सबका आह्वान करके सभी अज्ञात अपरिचित मृतक आत्माओं का आह्वान करके उनको पिंडदान श्राद्ध करके इसके बाद ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण मकान और फिर छोटा सा भोज करके व्यवस्था कराई जाती है ताकि कोई भी आत्मा अशांत न रहे। यही विधान है, उसी का पालन करते हैं।